तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ते मामा तू घर गोश्त मंडी। जरा सोच के आयो साडे घर जनाब, महंगे सोफे महंगे बिस्तरे नहीं साडे को, असी गरीब लोग सीधा दिल च बिठा लेने। लॉकडाउन खत्म होवे या ना होवे, मियां जी इंशाल्लाह ईद पूरी चस नाल मनावांगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक हो। माशाल्लाह अल्लाह पाक की बहुत रहमत हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुर्बानी कर ली है और अल्लाह पाक मेरी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। और ये हम टिकटॉक पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वायलेशन है। थैंक यू, लव यू ऑल। ये शापर तेरा और ये तेरा गोश्त टाइम पे आ जाना चाहिए। तो है कौन पड़ोसी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई बड़ा अफसोस होया, तड़े बकरे चोरी हो गए। आहो यार, किन्ने चोरी होए ने पाए ने? दो। ते मैं ते तीन चुके सी। ओए तो कुत्ता भी चुके ले गया विच। ओए ओ कुत्ता, ओ साला शेर दे पट्ठे खादी जा रहा। हुण तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा हो गया। अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, कमरा ठंडा मेरा सारा हो गया। तेरा लगना भी जन्नत है, तेरा चलना भी जन्नत है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा भी ठंडा हो जाए तो ब्रीज फैन लगवाएं। और इसकी बड़ी खासियत ये है कि ये 50 वाट का है और ये रिमोट से चलता है। ये शापर तेरा और ये तेरा गोश्त टाइम पे आ जाना चाहिए। तो है कौन पड़ोसी? भोली सी सूरत, नाक में रस्सी, दूर खड़ी शर्माए मेरी गाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी घासों में छुप जाए मेरी गाय। मेरी नजर से तुम देखो तो गोश्त नजर आ जाए। ओए सारे नालों घट साडा रेट क्यों लगता है? ओ इसलिए असी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंदे। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ।